नमस्कार दोस्तों, सुविद्या चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम जनरल साइंस पेपर की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो दोस्तों, इनकी तैयारी आप ज़रूर करें और ध्यान से पढ़ें इन्हें। हम पार्ट वन और टू जो है वो बना चुके हैं, अभी हमारा तीसरा पार्ट है साइंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स का। तो जो प्रश्न हमने 50-50 करके दो पार्टों में बता चुके हैं आपसे, अर्थात जो 100 क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी हो चुकी है। अब हम जो प्रश्न लेंगे वो लेंगे 101। तो दोस्तों, जो हमारा प्रश्न है वह है, किसी वस्तु की छाया प्रकाश स्रोत से किस दिशा में बनती है। किसी वस्तु की छाया प्रकाश स्रोत से किस दिशा में बनती है, तो इसका उत्तर है विपरीत दिशा में। जो भी छाया प्रकाश है वो अपोजिट जो दिशा है उसमें बनेगा, ठीक है। प्रश्न 102 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का बाहरी किनारा एक रिंग की भांति दिखाई देता है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है किरीट। भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। प्रश्न हमारा 104 है, जल का क्वथनांक उबाल बिंदु क्या है। जो क्वथनांक है उसे कहा जाता है उबाल बिंदु। तो 100 डिग्री पे जो जल का जो क्वथनांक है वह है 100 डिग्री सेल्सियस। हमारा प्रश्न 105 है, जल का हिमांक जमाव बिंदु कितना होता है। जल जो है कितने किस बिंदु पे जम जाता है, तो उसका उत्तर है 0 डिग्री सेल्सियस पर। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है, तो नाइट्रोजन की, जिसके लगभग 78% जो है, 78% जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में है। प्रश्न 107 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो वायुमंडल में लगभग 21% जो है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, बल्ब के अंदर दो मोटे तारों पर लगा पतला तार क्या कहलाता है। तो बल्ब के अंदर जो मोटे तारों पर एक जो पतला तार लगा रहता है उसे कहा जाता है फिनामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के विपरीत दिशा में सतह द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं। तो गति के विपरीत दिशा में सतह द्वारा आरोपित बल को घर्षण कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 110, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है 111, नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है। तो नीला तोता का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। प्रश्न हमारा 112 है, सूर्य की रोशनी से मुख्यतः कौन सा विटामिन होता है। तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, जो कि अगर विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डी वगैरह में जो पेन है वो भी इसी कारण होता है। तो अगला प्रश्न है 113, हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे शरीर में लगभग 24 जो खनिज लवण हैं वो पाए जाते हैं। 114वां प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CuSO4। प्रश्न 115 है, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी होती है तो उसे घेंघा या फिर गलगंड रोग भी कहते हैं, इसे हो जाता है। प्रश्न 116 है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। प्रश्न 118 है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियर क्योर। हमेशा याद रखना, प्रोटीन की कमी से क्वाशियर क्योर नामक रोग होता है। 119वां प्रश्न है, रक्त का थक्का नहीं बनने का क्या कारण है। तो रक्त का थक्का ना बनने का कारण है विटामिन के की कमी। जब विटामिन के की कमी होती है तो खून का थक्का नहीं जमता है। प्रश्न 120 है, जटिल खाद्य पदार्थों के सरल पदार्थों में परिवर्तित होने या टूटने के प्रक्रम क्या कहा जाता है। तो टूटने, जटिल खाद्य पदार्थों के सरल पदार्थों में बदलने के प्रक्रम को कहा जाता है पाचन। प्रश्न 121 है, मनुष्य की पाचन तंत्र में मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाने वाली नली का क्या नाम है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र से मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाने वाली नली का नाम है आहार नाल।
प्रश्न 122 है, भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। प्रश्न 123 है, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य के मुंह में चार प्रकार के दांत होते हैं, कृतक, रद्नक, अर्गचवर्णक और चवर्णक। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार, कृतक, रद्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। प्रश्न 124 है, पाचन तंत्र के किस भाग की संरचना थैली नुमा होती है? तो पाचन तंत्र के आमाशय की संरचना थैली नुमा होती है। प्रश्न 125 है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग दोस्तों आमाशय है। प्रश्न 126 है, आमाशय की आंतरिक सतह से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो आमाशय की आंतरिक सतह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। प्रश्न 127 है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत अर्थात लीवर। 128वां प्रश्न है, आमाशय के ठीक नीचे कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? तो आमाशय के नीचे, जस्ट ठीक नीचे अग्नाशय होती है। प्रश्न 129 है, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलों के समान उभरी हुई संरचना को क्या कहा जाता है? तो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलों के समान जो उभरी हुई संरचनाएं होती हैं उन्हें या तो दीर्घरोम कहा जाता है या फिर रसांकुर। प्रश्न 130 है, हमारे पाचन तंत्र में जल का अवशोषण कहाँ होता है? हमारे पाचन तंत्र में बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। प्रश्न 131 है, आमाशय से कौन सा रस स्रावित होता है? तो आमाशय से जठर रस स्रावित होता है। प्रश्न 132 है, ORS की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS की फुल फॉर्म। प्रश्न 133 है, ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं जिनके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है? तो समांगी मिश्रण को, वह समांगी मिश्रण होते हैं जिनके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जाता है। अब 134वां प्रश्न है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है? तो मिश्रण दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक तो होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। प्रश्न 135 है, ठोस तथा द्रव के मिश्रण में से अवयवों को पृथक करना क्या कहलाते हैं? तो जब ठोस तथा द्रव के जो मिश्रण है उनमें से अवयवों को जब अलग किया जाता है तो उसे कहा जाता है निस्यंदन, निस्यंदन कहा जाता है। 136वां प्रश्न है, दही से मक्खन कौन सी विधि से अलग किया जाता है? जब दही को दही से मक्खन अलग करते हैं तो उसको अपकेंद्रण के द्वारा अलग किया जाता है। प्रश्न 137 है, किसी वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो किसी वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। प्रश्न 138 है, किसी द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? जो पहला था, किसी वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। और 138वां प्रश्न है, किसी द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो उसको जब वाष्प में बदलता है उसको वाष्पन या वाष्पीकरण कहा जाता है। 139वां प्रश्न है, किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है। प्रश्न 140 है, नमक तथा नौसादर को किस विधि द्वारा पृथक करते हैं? तो नमक और नौसादर को ऊर्ध्वपातन नामक जो विधि है उसके द्वारा पृथक किया जाता है। 141वां प्रश्न है, शक्कर और दूध का मिश्रण किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? तो शक्कर और दूध का मिश्रण जो है वह है समांगी मिश्रण का उदाहरण। प्रश्न 142 है, क्रिस्टलीकरण किस प्रकार का परिवर्तन है? तो क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न 143 है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3। प्रश्न 144वां है, CaN(OH)2 का सामान्य नाम क्या है? तो इसको कहा जाता है चूने का पानी। प्रश्न 145 है, लोहे पर लगने वाली जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लोहे पर लगने वाली जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3। प्रश्न 146 है, मेहंदी में कौन कौन से रासायनिक यौगिक होते हैं? तो मेहंदी में क्विनोन, नेफ्था क्विनोन तथा लासोन नामक रासायनिक यौगिक होते हैं।
प्रश्न 147 है, पानी में सोडियम का टुकड़ा डालने पर क्या होता है? तो जैसे अगर पानी में सोडियम का टुकड़ा डालते हैं तो आग की चिंगारी पैदा होती है। प्रश्न 148 है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर अगर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उसे कहा जाता है यशत लेपन, गैल्वनीकरण। प्रश्न 149 है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न 150 है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्करिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, हम अगले जो प्रश्न है 151 से 200 तक के हमारे नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आप जब तक अपने इन क्वेश्चंस की, इन आंसर्स की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारा चैनल सुविधा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ।